सियाने कहिंदे जे पल्ले सच्चा तां झूठ तों डरन दी लोड़ नहीं, उहदा डट के मुकाबला करो। एक दिन तुहाडे सामने झूठ नूं गोडे टेकणे ही पैणे आ। ते इही गल बणी जिहड़ा पिछले काफ़ी लंबे समय तो विवाद चलदा आ रिहा सी क्वालिटी फार्मासूटिकल वर्क्स दे मालकां अते मजदूरां दा। अज मजदूरां दी जित होई है ते क्वालिटी दे मालक नूं परे दे विच आ के मनना पिया कि उसने जिन्ने झूठे केस कीते उह वापस लवेगा अते मजदूरां नूं फिर तो कम करन दी आग्या देवेगा अते जिन्ने दिन मजदूर हड़ताल रहे उहदियां तनखावां भी फैक्टरी दा मालक देवेगा। इत्थे धन्नवाद करना बनदा सरदार पलविंदर सिंह जी ब्लाक प्रधान किरती किसान यूनियन दा, जिन्हें मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के मजदूरों का साथ दिता ते सच करके विखाया कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद सी ते जिंदाबाद रहेगी। चलो जी आ जाओ हाँ जी प्रधान साहब। मैं किरती किसान पंजाब मजीठा रो प्रधान पलविंदर सिंह जेठ मंगल। अज साडी किरती किसान जो पंजाब दी जो क्वालिटी दे मसले सवेर दा असीं मोर्चा ला के बैठे हाँ, उस विच किरती किसान पंजाब दी जो जित प्राप्त होई आ ते साडे बच्चियां नूं साडे नौजवान वीरां नूं जिहड़ा एक इंसाफ मिलिया अज ते किरती किसान पंजाब दे नाल जो कंपनी दे मालक दित्या जी आ वह इतने बोल के गए आई कलिपा रख तुम वो बोल के गए आ कि इन्हों मंगा जीडिया मन ली गई जेडे इन्हों नोटिस आए आ टोटल वो वापस किए जाएंगे तो जेडे इन्हों के बच्चों के अंदर नहीं जान दते वो बच्चे अपनी ड्यूटी कर देंगे अंदर जाके तो अपना जरा भविख चंगा बनाएंगे तो अपनी मेहनत करके मेहनत का मुल लैणगे। इस करके किरती किसान जो पंजाब की अज बहुत तगड़ी जित हुई आ जिहड़ा एक क्वालिटी फैक्टरी के नाल बच्चों का जिहड़ा इंसाफ दवाया तो बच्चों का हक दवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे स्ट्राइक इमीडिएटली ख़त्म करिए, काम पे आइए और कल से हम इवनिंग में मैडम एचआर के साथ बैठ के हम रिव्यू करेंगे, ठीक है? बोले बोले सोनिया बोले सोनिया काले धन्यवाद आदित्य जी का जिन्होंने इन्होंने बच्चों के भविष्य बारे सोचा तो इन्होंने असं सल्यूट भी करते हैं कि जो देर आई दुरुस्त आई थोड़ा समा लगा शाम तक इन्होंने मंगा जड़िया पूरिया सुनिया जिदा ना तुम आख्या है तो हूँ इन्हें आप भी इन्हों करके विखाइए कि काम बिल्कुल सही साफ सुथरा काम करके विखाइए, कोई लामे वाली गल ना आए। ये करके मैं वीर मेरा वीर मैं सारे भरावों को रिक्वेस्ट करता वा आप इतने काम करना, मैं पहला भी गया सी करना काम मेरा वीर किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी बंदा वा कोई कंप्लेट नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। जिते सर ने प्रोमिस किया वा किसी बंदे नूं नहीं कटिया जाएगा नहीं जाएगा, गलती होगी उन्होंने वार्निंग दिता जाएगा, उन्होंने फाइन पाया जाएगा, जो ज्यादा हद तो वध गलती होगी उन्होंने असीं खुद कहांगे जा यार जिहड़ा बंदा गलत कंपनी च काम भी करेगा ये मैं तुहानूं कह रहा सर जिहड़ा बंदा गलत करेगा असीं कढ़ांगे नहीं यार। बाकी तुसीं मेरा ब्रदर किसी ने अख नहीं चुकनी, किसी ने अपना अपना 8 घंटे लाने काम के एटीट्यूड नहीं दिखाना, किसी ने साडे सीनियर आ साडा घर चलदा इन्हां दे सिर ते वापस हो जाएंगे जिहड़े ताडे जिन्ने भी साथी काम के उत्ते रोक लगी सी ओह सवेरे मुड़ अपने काम के उत्ते आउणगे ते ताडे अगे भी बेनती आ कि आपां जिहड़ा काम नूं काम समझिए ते लांभे वाली गल ना कोई आवे, इह करके तगड़े हो गए पूरा मेहनत करके विखाओ मालक नूं कि इह जिहड़ा वा असीं तुसीं जो रोस सी उहनां दा रोस पूरा करो। इस करके आदित्य जी तुहाडे सामने जो विचार आ उह रख रहे आ। आदित्य अरोड़ा, मैं यकीन दिला रहा हूँ कि सारा नोटिस हम वापस दे रहे हैं, बट ये नोटिस जाने का पर्पस यही था कि मालिकों को सब लोगों को मैनेजमेंट को डर था कि आप लोग जब वापस फर्स्ट स्ट्राइक के बाद कुछ ऐसा कर देंगे कि जिसमें दवाई ख़राब होने का चांस है, ह्यूमन लाइफ ख़राब होने का चांस है, किसी की मौत होने का चांस है, और वो डर की वजह से ये नोटिस डाला था। अभी प्रधान साहब ने और सबने टीम में एश्योर करा कि कोई भी ऐसा इनडिसिप्लिन एक्ट कंपनी में एक्सेप्टेबल नहीं है और कोई भी आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
ना बंदे को ऐसी कोई कोशिश भी करेंगे, तो इसी वजह से नोटिस मैं वापस ले रहा हूँ। सभी बंदों को स्किल्ड वेज के हिसाब से हम लोग दोबारा से सैलरीज रिव्यू करेंगे, स्किल्ड लेबर आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन बंदा उसमें कैटेगरी में आता है और उस हिसाब से उनकी वेजेस को रिवाइज करेंगे। तो ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, स्ट्राइक इमीडिएटली खत्म।